डियर स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो तीसरा प्रॉपर्टी होता है परत आसंजन यानी लेयर एडहेशन। तो फ्लेक्सिबल जो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग भाग के लिए जमा परतों के बीच अच्छा आसंजन बहुत महत्वपूर्ण है। जब पिघलता हुआ थर्मोप्लास्टिक नोजल के माध्यम से बाहर निकाला जाता है तो इसमें पिछली परत के विपरीत दबाया जाता है, यानी जो पिछला लेयर हमारा डिपॉजिट हुआ है उसी के अपोजिट हम इसको दबाते हैं। उच्च तापमान और दबाव पिछली परत की सतह को फिर से जो है हमारा क्या करता है, पिघला देता है और पहले से मौजूद भाग के साथ नई परत के बंधन को सक्षम कर देता है। नेक्स्ट जो है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है वो डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं उनके बीच में जो बंधन होता है वो हमेशा जो बंधन होता है वो शक्ति हमेशा पदार्थ के आधार शक्ति से कम होती है, यानी जो हमारा पदार्थ उसमें यूज हो रहा है उसके बेस शक्ति से कम होती है। इसका तात्पर्य यह है कि FDM के भाग स्वाभाविक रूप से अनिस्ट्रॉपिक हैं, यानी जो उनका प्रॉपर्टी मटेरियल है वो अनिस्ट्रॉपिक कैटेगरी का है, और जेड अक्ष में उनकी सामर्थ्य हमेशा एक्स वाई प्लेन में उनकी सामर्थ्य से कम होती है। इस कारण से FDM के लिए भागों को डिज़ाइन करते समय आंशिक अभिन्यास रखना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के हम ये देख सकते हैं 50% इनफिल में क्षैतिज रूप से ABS में छपे हुए टेंसिल टेस्ट के टुकड़े की तुलना में टेस्ट किए गए टुकड़े की लंबवत रूप से छपाई की गई थी और जेड दिशा में तुलना में एक्स वाई प्रिंट दिशा में लगभग 4 गुना अधिक तन्यता सामर्थ्य पाई गई थी। यानी जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो पहले के तुलना में लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा हमको मिलती है। और ये आप देखिए कि कैसे फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग से बना हुआ पार्ट जो है, जो विजिबल लाइंस इस पे देख रही हैं वो लेयर बाय लेयर डिपोजिशन का देन है। एक एक लेयर को हम लोग कैसे डिपोजिट करते हैं वो यह है, तो वो आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इसके अलावा पिघला हुआ पदार्थ पिछली परत के विपरीत दिशा में दबाया जाता है, इसलिए इसका आकार एक अंडाकार के रूप में विकृत हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है। और इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग FDM भागों में कम परत की ऊंचाई के लिए हमेशा एक लहरदार सतह होगा। छोटी विशेषताओं जैसे छोटे छिद्र और थ्रेड्स को पेंटिंग के बाद संसाधित करने की आवश्यकता होती है। आपको उसमें फिर से जो है थोड़ा बहुत अपने मोटिवेशन करना होता है। चौथा जो है हमारा वो है सपोर्ट स्ट्रक्चर, यानी सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है हम देखते हैं कि सपोर्ट स्ट्रक्चर में कैसे ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में ओवरहैंग्स के साथ ज्योमेट्री बनाने के लिए आधार या समर्थन संरचना सपोर्ट स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और पिघली हुई थर्मोप्लास्टिक की को पतली हवा पर जमा नहीं किया जा सकता है। इस कारण से कुछ ज्यामितियों को समर्थन संरचना की आवश्यकता होती है, सपोर्ट स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। और उसी सपोर्ट स्ट्रक्चर में जो है हम क्या करते हैं, समर्थन पर मुद्रित सतह सामान्यतः शीर्ष भाग की तुलना में सतह की गुणवत्ता कम होगी। तो इस कारण से यह जो है अनुशंसा की जाती है कि समर्थन की आवश्यकता को कम करने के लिए इस तरह से भाग को डिजाइन किया जाए कि समर्थन आमतौर पर भाग के रूप में एक ही पदार्थ को मुद्रित किया जाए जाता है। तरल में घुलने वाले सहायक पदार्थ भी उपलब्ध हैं, यानी जो हमारा फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में लिक्विड जो मटेरियल है उसमें भी जो है घुलने वाले सहायक जो सपोर्टिंग मटेरियल हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से उच्च अंत डेस्कटॉप या औद्योगिक FDM 3D प्रिंटर में उपयोग नहीं किए जाते हैं।
वो FDM 3D प्रिंटर में उपयोग किए जाते हैं, और प्रिंट की जो समग्र लागत में वृद्धि होती है, और इसमें क्या है दोहरी एक्सट्रूजन की आवश्यकता होती है, और इस पदार्थ की लागत जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट जो है हमारा इनफिल एंड सेल मोटाई, यानी सेल की थिकनेस और इनफिल जो है हम कैसे कहें। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा किस तरीके से हम इसको जो है एक्सप्लेन करें, तो प्रिंट समय को कम करने और पदार्थ को बचाने के लिए FDM भागों को सामान्यतः ठोस रूप से प्रिंट नहीं किया जाता है, यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग से बने हुए जो भाग हैं, जो पार्ट हैं, उनको सामान्यतः हम ठोस रूप से प्रिंट नहीं करते हैं। इसके बजाय बाहरी परिधि को कई पास मार्क का उपयोग करके पता लगाया जाता है, जिसे सेल कहा जाता है, और आंतरिक कम घनत्व संरचना से भरा भाग इनफिल कहा जाता है। इनफिल और सेल की मोटाई एक हिस्से की सामर्थ्य को बहुत प्रभावित करती है। ये जो है इंटरनल ज्योमेट्री है FDM प्रिंट्स की, जो डिफरेंट इनफिल डेंसिटी को दर्शा रहा है। पहला वाले में जो फिलिंग की डेंसिटी है वो अलग है, दूसरे वाले में फिलिंग की डेंसिटी अलग है, तीसरे वाले में फिलिंग की डेंसिटी अलग है। तो FDM की जो प्रमुख विशेषताओं में से एक जो विशेषता है वो है उपलब्ध पदार्थ की विस्तृत श्रृंखला। इनमें जो है कॉमोडिटी थर्मोप्लास्टिक्स PLA और ABS से लेकर इंजीनियरिंग पदार्थ जैसे TATP और PET जो होते हैं, PETG और उच्च प्रदर्शन थर्मोप्लास्टिक जैसे PEK और PI तक, ये केमिकल नेम्स हैं जो ये दर्शाए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा थर्मोप्लास्टिक पदार्थ की ये पिरामिड बताई गई है कि इंजीनियरिंग में कितना यूज़ होता है, कमोडिटी में कौन सा यूज़ होता है, हाई परफॉर्मेंस के लिए कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, अब मटेरियल जो ABS है, ABS मटेरियल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, गुड टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, मोस्ट सक्सेप्टेबल होता है, यानी अधिक अति संवेदनशील होता है। PLA यानी उत्कृष्ट दृश्य गुणवत्ता, एक्सेलेंट विजुअल क्वालिटी, आसान प्रिंट यानी इजी टू प्रिंट होता है, कम प्रभाव शक्ति, लो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होता है, हाई शक्ति यानी हाई स्ट्रेंथ होता है। नायलन का, नायलन को हम PE भी कहते हैं, कम नमी प्रतिरोध, लो ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस। PETZ जो है जी है उसमें ये फूड सेफ्टी इसमें होता है, इसकी अगर हम डिपोजिशन करें तो ये जो है फूड सेफ होता है, यानी इस टाइप से बने हुए जो अगर कुछ अनटेंसिल्स हमने बना दिए तो वो अनटेंसिल्स जो है इससे सेफ होता है। TPU जो होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, डिफ़िकल्ट टू प्रिंट एक्यूरेटली, उत्कृष्ट भार, एक्सेलेंट स्ट्रेंथ टू वेट PEI का होता है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा FDM है यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग की बेनिफिट और लिमिटेशंस क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ FDM। तो लेट अस सी, फर्स्ट वन जो है FDM कस्टम थर्मोप्लास्टिक भागों, जो FDM है वो कस्टम थर्मोप्लास्टिक भागों और जो है प्रोटोटाइप उत्पादन का सबसे अधिक लागत प्रभावी विधि है, यानी सबसे पहला जो
बात निकल के सामने आती है वो यही है। और दूसरा, प्रौद्योगिकी की उच्च उपलब्धता के कारण FDM का नेतृत्व समय कम है, यानी जो हमारा FDM का नेतृत्व समय है वो कम है। और हम ये बात करते हैं कि जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक पदार्थ की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है जो प्रोटोटाइप और कुछ गैर वाणिज्यिक कार्यात्मक अनुप्रयोग दोनों के लिए उपयोगी है, ठीक है। तीसरा है थर्मोप्लास्टिक पदार्थ जो है, जो प्रोटोटाइप और जो नॉन कमर्शियल जो है उनकी अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है जो है हम थर्मोप्लास्टिक पदार्थ की जो है जो विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है उनका हम प्रयोग करें। FDM में अन्य 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों की तुलना में सबसे कम आयामी सटीकता और संकल्प है, इसलिए यह जटिल विवरण वाले भागों के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी फ्यूज प्रिसिजन मॉडलिंग में अन्य 3D प्रिंटिंग प्रौद्योगिकियों की तुलना में सबसे कम आयामी सटीकता और संकल्प है, इसलिए यह जटिल विवरण वाले भागों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है FDM जो है वो हमारा FDM भागों में दृश्य परत रेखाएं होने की संभावना है, इसलिए एक चिकनी परिष्करण के लिए पोस्ट प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। यानी हमारा जो फिनिशिंग के लिए हम पोस्ट प्रोसेसिंग करने की हम आवश्यकता लेते हैं। परत आसंजन तंत्र FDM भागों की आइनोस्ट्रोपिक बनाता है। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा आइनोस्ट्रोपिक है, आइनोस्ट्रोपिक का मतलब ये है कि आइनोस्ट्रोपिक का सेंस यहाँ पे हमारे मटेरियल से रिलेटेड ये है कि आपका जो मटेरियल है वो जो है आइनोस्ट्रोपिक से मतलब ये है कि जो हमारा मटेरियल है वो जो है उससे मतलब हमारा ये है कि मटेरियल विच अलाउज टू चेंज योर एज्यूम डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी जो हमारा मटेरियल है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में चेंज के लिए अलाउ करे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम कह सकते हैं कि उसका सर्विस दे। छठा जो है वो परत आसंजन है, जिनमें हम आइसोट्रॉपिक बनाता है। आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब ही हो गया कि जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करे वो, है ना। जैसे पीस ऑफ वुड है तो पीस ऑफ वुड की जो हम लाइनिंग उसमें देखते हैं वो एक डायरेक्शन में होता है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग जो है मटेरियल्स हमारा उसमें होता है, कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग में। तो मटेरियल जो इस्तेमाल होगा वो होगा थर्मोप्लास्टिक, जिसमें PLA, ABS, PETG, PC एंड PEI होता है। उसके बाद है डायमेंशनल एक्यूरेसी। इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी जो हम देखते हैं वो है ±0.5%, लोअर लिमिट को हम ±0.5 mm लेते हैं, माइनस डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप की जो डायमेंशन है उसकी डायमेंशन को लेते हैं ±0.15%, लोअर लिमिट जो होता है वो ±0.2, माइनस जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो। टिपिकल जो बिल्ड साइज होता है वो 200 × 200 × 200 mm, ये हमारा डेस्कटॉप साइज होता है, माइनस डेस्कटॉप 1000 × 1000 × 1000 माइनस इंडस्ट्रियल, ये हम करते हैं। कॉमन लेयर हाइट जो होता है FDM से प्रोड्यूस प्रोडक्ट का वो होता है 50 × 400 माइक्रोन। यानी 50 × 400 माइक्रोन के बेस पे
हम जो है इसे बना सकते हैं। सपोर्ट जो होता है ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड, हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ कुछ कंडीशंस में हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस पर जिस पर हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट है रूल ऑफ थंब, अंगूठे का नियम। FDM में रूल्स ऑफ थंब चलता है, अंगूठे का क्या नियम चलता है यह हम देखते हैं। आइए तो अंगूठे के नियम में हम यह देखते हैं कि FDM यानी फ्यूल डिफ्यूजन मॉडलिंग थर्मोप्लास्टिक पदार्थ की एक विस्तृत श्रृंखला से कम लागत पर और तेजी से प्रोटोटाइप और कार्यात्मक भागों का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें प्रोटोटाइप और कार्यात्मक यानी वर्किंग कि हम कर सकते हैं। ये जब है FDM जो है वो स्वाभाविक रूप से एनिस्ट्रॉपिक है, इसलिए यह यंत्रवत महत्वपूर्ण घटकों के लिए अनुशंसित नहीं है। तो पहला जो नियम है वो यह है कि FDM थर्मोप्लास्टिक पदार्थ की एक विस्तृत श्रृंखला से कम लागत पर और तेजी से प्रोटोटाइप और कार्यात्मक भागों का उत्पादन कर सकते हैं। डेस्कटॉप जो है वो FDM 3D प्रिंटर का विशिष्ट फील्ड आकार 200x200x200 mm है और इसमें जो है औद्योगिक मशीनों का आकार बड़ा होता है, यानी इंडस्ट्रियल मशीन का जो शेप होता है वो बड़ा होता है। बड़े सपाट क्षेत्रों में से बचकर और तेज कोनों में पट्टिका यानी फिलेट्स जोड़कर मुड़ने को कम करते हैं। यानी जो हमारा रूल ऑफ थंब है इसमें हम ये देखते हैं कि बड़े सपाट क्षेत्रों से बचकर और तेज कोनों में पट्टिका यानी फिलेट जोड़कर मुड़ने यानी रैपिंग को कम करते हैं। FDM जो है वह स्वाभाविक रूप से एनिस्ट्रॉपिक है, इसलिए यह यंत्रवत महत्वपूर्ण घटकों के लिए अनुशंसित नहीं है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है परत दर परत यानी लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। परत दर परत जो है मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है यह हम देखते हैं। तो इसमें जो है लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक कम ज्ञान युक्त एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जहां एक ऑब्जेक्ट बिल्ड मटेरियल की चादरें बिछाकर बनाया जाता है। यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो जो हमारा मटेरियल है जिससे हमें प्रोडक्ट को बनाना है, जिससे हम लेयर को वो करना है, उससे जो है हम क्या करते हैं इसे लेयर बाय लेयर चादरें बिछाकर जो है हम बनाते हैं। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं कि लिमिटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में उन्हें हीट और प्रेशर के जरिए बॉन्ड किया जाता है। यानी हम उन्हें हीट और प्रेशर के जरिए जो लेयर बाई लेयर है डिपोजिशन, उनको हम हीट और प्रेशर के द्वारा क्या करते हैं बॉन्ड करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। फिर उन्हें हम क्या करते हैं ब्लेड या कार्बन लेजर का इस्तेमाल करके मनचाहे आकार में हम काट देते हैं। यानी पहले हमने लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करके उनका एक ब्लेड तैयार कर लिया और ब्लेड से हमने अपने मनचाहे आकार का जो ऑब्जेक्ट है उसमें से हमने उसको कटिंग कर लिया। और कटिंग के लिए या तो हम ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं या हम जो है कार्बन लेजर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस प्रक्रिया में क्या है कि मानक A4 या पत्रकार के कागज़ की सीटों को टंगस्टन कार्बाइड ब्लेड का उपयोग करके आकार में काटा जाता है और फिर पानी आधारित चिपकने वाले चुनिंदा बूंदों द्वारा बंधित किया जाता है। अंतिम भाग बनाने वाले क्षेत्रों को चिपकने वाला एक उच्च एकाग्रता प्राप्त होती है। यानी जो हमारा लास्ट
प्रोडक्ट जो बनाना है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक उच्च एकाग्रता प्राप्त करते हैं, जबकि समर्थन या आधार के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र जो हैं वो कम प्राप्त होते हैं। अब आइए हम देखते हैं जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम क्या कहता है। तो डायग्राम जो है वो यह कहता है कि हमारा एक ये मशीन है लेमिनेटेड ऑप्टिक ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, और आप देखिए कि सबसे पहले लेयर्ड पार्ट अराउंड एंड सपोर्ट मटेरियल नीचे रखा हुआ है, उसके बाद मटेरियल सप्लाई रोल है कि इसी मटेरियल को देखिए, मटेरियल शीट को पतले धातु के चादर के फॉर्म में जा रहा है, और जो हीटेड रोलर है वो हीटेड रोलर उसको दबाते हुए लेयर बना रहा है। फिर पार्ट लेयर आउटलाइन है, करंट लेयर है, एक्स वाई मूविंग ऑप्टिक हेड है जिससे हम पता लगा सकते हैं, मिरर है जिससे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लेयर डिपोजिशन हो रहा है, तो इस और वेस्ट जो हमारा टेकअप रोल है वो इधर से राइट हैंड साइड से आ जाता है बाहर। प्रीवियस लेयर जो है वो भी हम देख पाते हैं कि कैसे वो बना हुआ है। तो हमारा जो है लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये सेटअप है जिसको हम यूज करके हम एक शीट बना लेते हैं, और शीट के थ्रू मनचाहे आकार में उसे हम कट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मूल रूप से हेलिसिस या क्यूबिक टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित, हेलिसिस पहले नाम था, क्यूबिक टेक्नोलॉजी है कंपनी का नाम, इस कंपनी ने जो है ये लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रक्रिया है उसे प्रणाली का उपयोग करती है जहां निर्माण पदार्थ की एक सतत सीट फीड रोलर्स की एक प्रणाली द्वारा बिल्ड प्लेटफॉर्म पे खींची जाती है। कागज़ और प्लास्टिक निर्माण पदार्थ के लिए सीट को एक चिपकने वाले पदार्थ में लेपित किया जा सकता है। एक गर्म रोलर पदार्थ के ऊपर से गुजारता है और चिपकने वाले पदार्थ को पिघलाता है, और प्लेटफॉर्म पर पदार्थ को नीचे दबाता है। एक ब्लेड या लेजर तब पदार्थ में वांछित पैटर्न को काट देता है और अपरयुक्त पदार्थ को पार कर देता है, यानी बाहर कर देता है, और जो है ताकि इसे बाद में हटाया जा सके। एक रोल अपरोल और शेष पदार्थ को हटा देता है। अंततः क्या होता है कि बिल्ड प्लेटफॉर्म जो है वो एक परत की मोटाई को गिरा देता है। अब नई पदार्थ को प्लेटफॉर्म पर खींच लिया जाता है और प्रक्रिया को दोहराया जाता है। यानी हम क्या करते हैं कि पहले एक पदार्थ को हम जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसके लिए उसके स्ट्रक्चर का हम उस पर लेयर बिछा देते हैं, हीट कर देते हैं, फिर दूसरा लेयर को बिछाते हैं, तो उसके अलावा जो हमारा सीट होता है वो क्या होता है, जब वेस्ट प्रोडक्ट चला जाता है। ठीक है, तो निर्माण पदार्थ की कठोरता जो होती है वो ज़्यादा होती है, और यह कठोरता का अर्थ यह है कि निर्माण प्रक्रिया के दौरान किसी सहायक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, यानी किसी सहायक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जो है हम जो है क्या करते हैं कि काटने की प्रक्रिया के दौरान वस्तु को जो है वह हम यह दिखलाते हैं कि जो हमारा वस्तु है वो उसके भीतर के आंतरिक भाग भारी रूप से काट दिए जाते हैं जिससे जो है पदार्थ को आसानी से हटाया जा सकता है, जिससे जो है पदार्थ को आसानी से हटाया जा सकता है। अब जो है प्रक्रिया की प्रकृति का अर्थ यह है कि किसी भी संलग्न कक्ष की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि परतों को ठीक से फ्यूज होने के बाद कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाए रखा जाना आवश्यक है, यानी उस परतकों को ठीक से उसमें फ्यूज होना दिया जाए, जो हमारे परिस्थितियाँ हैं उनको हम ठीक से जो है करें, और जो कुछ लाभ हैं वह अगर हम देखें तो LAM प्रक्रिया के कुछ लाभ यह हैं कि उपयोग की जा रही जो हमारी पदार्थ है वह
पदार्थ सुसंगत, आसानी से उपलब्ध और अच्छी तरह से समझी जा सकती है। उपयोग किए जाने वाले बाध्यकारी रॉल के प्रकार पर आधारित जो है वो आधार पर LOM सबसे बड़े ऑपरेटिंग तापमान विंडो को में से एक प्रदान करता है। तो ये डायग्राम हम दूसरा देख रहे हैं, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ये डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो हीटेड रोलर हैं, एक हीटेड रोलर ए, हीटर रोलर पेपर फीड रोल है जिसको हमने ए से डिनोट किया है। पेपर फीड रोलर जो है वो क्या होता है, हीटेड रोलर को होते हुए ऑब्जेक्ट का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उस पर जाता है। आप जो ब्लैक में शेडेड पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक मूवेबल मिरर लगा होता है जिससे कि हमें यह पता लगे कि कार्य जो है किस तरीके से हो रहा है, जो हमारा डिपोजिशन है वर्क पीस पे प्रोडक्ट का वो किस तरीके से हो रहा है। फिर राइट हैंड साइड में जो वेस्ट पेपर है वो बाहर निकल जाता है लेजर। अब सील चैम्बर, स्मोक चैम्बर, स्टैक जो होता है। आइए अब हम देखते हैं, परत दर परत वस्तु निर्माण एक 3D प्रिंटिंग विधि है। ये भी जो है वो 3D प्रिंटिंग विधि है और इसमें जो है हम क्या करते हैं कि जो है जिसे हेलिक्स टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन जो है इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ प्लास्टिक या जो लेयर्स पेपर की परतें गर्मी और दबाव का उपयोग करके एक साथ जुड़ जाती हैं। यद्यपि यह तकनीक कुशल, सस्ती और काफ़ी तेज है, फिर यह वास्तव में लोकप्रिय नहीं है। जो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रौद्योगिकी में यानी टेक्नोलॉजी में स्तरित पदार्थ को बिल्डिंग प्लेटफॉर्म पर रोल किया जाता है। सामान्यतः पदार्थ एक चिपकने वाली परत के साथ लेपित होती है और चिपकने वाला पदार्थ जो है पिघलाने के लिए रोलर गर्म होता है। अब जो है सामान्यतः पदार्थ एक चिपकने वाली परत के साथ लेपित होता है और चिपकने वाला पदार्थ पिघलने के लिए रोलर पर गर्म होता है। जिस पदार्थ को चिपकाना है उसे हम रोलर पर क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। परत को पिछले एक परत से चिपका दिया जाता है और अंतिम ऑब्जेक्ट के निष्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्तु को खींचने और शेष सतह पर क्रॉस खींचने के लिए ब्लेड या लेजर का उपयोग करते हैं। यानी एक बार जब हमारा वो लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से एक शीट हमने तैयार कर लिया, तो उस शीट में से जो है हम क्या करते हैं, ब्लेड या लेजर के मदद से अपने मनचाहा प्रोडक्ट को काट लेते हैं। अंत में बिल्डिंग प्लेटफॉर्म में अंतिम ऑब्जेक्ट्स बना एक ब्लॉक होता है जिसे वापस लेना होता है। अब इसमें क्या है कि कागज का उपयोग करके प्रिंट हुई वस्तुएं फिर लकड़ी की तरह गुणों पर ले जाती हैं, जबकि कागज की वस्तुओं को आमतौर नमी को बनाए रखने के लिए पेंट या लाह के साथ सील किया जाता है ताकि उसमें जो है नमी बना रहे और जो बॉन्डिंग है मटेरियल की आपस में एक लेयर बाय लेयर की, वो जो है कहीं गड़बड़ ना हो, तो इसका हम खासा ध्यान रखते हैं। तो हम लोगों ने यह देखा कि लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है किस तरीके से लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करके और एक ब्लॉक तैयार करता है, एक शीट तैयार करता है जिसको हम कटर या कार्बन से कट करके और फिर से जो है हम क्या करते हैं, एक जो है हम तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो है हम शेष सतह पर ब्लेड या लेजर का उपयोग करके हम जो है मनचाहा प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम लोग 3D प्रिंटिंग के तकनीक के साथ उपयोग की गई सामग्रियों के बारे में पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के जो हमारी एप्लीकेशन है, जो परत दर परत में वस्तु निर्माण का अनुप्रयोग है, उसको हम अब देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यह देखते हैं
3D प्रिंटिंग तकनीक के साथ उपयोग की गई सामग्रियाँ कौन कौन सी होती हैं? विच आर द बेस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर टू यूज इन 3D प्रिंटिंग टेक्निक? तो 3D प्रिंटिंग तकनीक जो होता है वो बहुत बहुमुखी है, क्योंकि लगभग किसी भी पदार्थ को चिपका कर कार्यखंड का निर्माण किया जा सकता है। इस योज निर्माण प्रक्रिया के दौरान चिपकने वाला लेपित कागज, प्लास्टिक या धातु की परतें क्रमिक रूप से एक साथ चिपकी होती हैं, और उपयोग की जाने वाली अधिक सामान्य पदार्थ कागज है, क्योंकि वह आसानी से कट जाता है। उसकी कटिंग जो है कागज की लेयर बाय लेयर डिपोजिशन करके आपने जो है उसे रोलर से चिपका दिया तो उसे काटने में बहुत आसानी होता है। ग्रेड या लेजर का इस्तेमाल करके हम उसे काट सकते हैं, काट करके प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि धातु चादरें अधिक सामान्य होती हैं, क्योंकि काटने की अवस्था अधिक जटिल होती है। शीट मेटल की अगर हम बात करें, शीट मेटल की अगर हम लेयर बाय लेयर पर डिपोजिशन करके एक प्रॉपर हाइट का, एक थिकनेस का हम मटेरियल अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वहाँ पे कटिंग की जो प्रोसेस है वो बड़ी मुश्किल होती है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम लोग परत दर परत वस्तु निर्माण के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। परत दर परत में वस्तु निर्माण का क्या अनुप्रयोग है, यह हम अगले लेक्चर सीरीज में देखेंगे। और इस लेक्चर सीरीज की जो टॉपिक हमारी लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेसिंग थी, उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग।